और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो दौसा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। दौसा शहर में प्रवेश यात्रा ने किया और भारी सैलाब के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। जगह जगह बैनर और पोस्टरों से स्वागत किया जा रहा है, बैंडबाजी के साथ में स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और राजीव शुक्ला भी यात्रा में शामिल हुए हैं भारत यात्री के तौर पर। अब से कुछ ही देर में गिरिराज धरण मंदिर दौसा यात्रा पहुंच जाएगी। 125 दिन है आज शतक, आज भारत जोड़ो ने पूरे किए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं सफलतापूर्वक। और गिरिराज धरण मंदिर में अब से कुछ ही देर के बाद में तस्वीरें आपके साथ दिखाएंगे, जब जो आज समाप्ति है यात्रा की, जिस जगह पर गिरिराज धरण मंदिर दौसा में वो स्थित है, दौसा का है, वहां पर पहुंचेगी यात्रा समाप्त होने पर। राहुल गांधी फिर वहां से जयपुर के लिए निकलेंगे और जयपुर में राहुल गांधी 4 बजे प्रेस वार्ता क्योंकि करने वाले हैं और 7 बजे भारत जोड़ो कॉन्सर्ट में शामिल होंगे जो कि अल्बर्ट हॉल पर आयोजित किया जा रहा है। तैयारियां उसको लेकर के पूरी तरीके से माकूल की गई है। जयपुर में रूट रिहर्सल्स शुरू हो गए हैं, जिस रूट से होकर के वाहन गुजरेंगे, काफिले के वाहन गुजरेंगे, वहां पर रिहर्सल शुरू हो गए हैं और इस वजह से शाम के कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां अभी अपने पूरे अंतिम चरण पर है। लेकिन दौसा की तस्वीरें जब आपको दिखाई, क्योंकि आज शतक था भारत जोड़ो यात्रा का, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए जिन्होंने शुरुआत से इस यात्रा के साथ जुड़कर अपनी सहभागिता इस यात्रा में दी है। राहुल गांधी के साथ में और कांग्रेस के साथ में भारत जोड़ो के कॉज पर वो निकले हैं और लगातार 100 दिन तक अनवरत वो कई किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अब आगे बढ़ रहे हैं। दौसा में फिलहाल और दौसा कस्बे में जब यात्रा ने प्रवेश किया था, तस्वीरें आपको समय के दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों में गजब का उत्साह उस समय नजर आ रहा था। लोग ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर खड़े होकर के देखना नहीं चाह रहे थे इस यात्रा को अपनी आंखों से, और साक्षी बन रहे थे इस समय के उस लम्हे के जब राहुल गांधी के साथ साथ कई बड़े चेहरे जनप्रतिनिधि सड़कों से होकर उनके बीच में पहुंचे और उसके बाद में आगे बढ़े। लोगों के लिए खास था वो समय क्योंकि ऐसे मूवमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भले ही आप इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से तोड़कर देखें या फिर खुद व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी या विचारधारा से जोड़कर आप इसे देखें, लेकिन जब लोगों के बीच में इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं तो कौतूहल का विषय तो ये होते ही है। लेकिन उन लोगों के लिए भी खास जो कि कांग्रेस पार्टी या फिर कट्टर कांग्रेसी रहे, जिनके परिवार के परिवार कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, जुड़े हुए हैं। ताजा जानकारी और तस्वीरों के साथ में सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, गिरिराज धारण मंदिर कितनी देर में यात्रा पहुंच सकती है, क्योंकि 11 बजे का समय इसके लिए प्रस्तावित था। देखिए, यात्रा का समय पहले भी 11 बजे के लिए स्थापित है, लेकिन उसकी वजह से पहुंचेगी बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद यात्रा के राज धरण जो मंदिर है वहां पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी 6 किलोमीटर का सफर बाकी है। दौसा कस्बे के अंदर राहुल गांधी ने ब्रेक लिया था, लेकिन सड़कों के ऊपर गिरिराज की भारी भीड़ उमड़ी है, उसके बाद यात्रा को देर के लिए और रोक दी गई। फिलहाल बूथ क्लियर करवाया गया है यात्रा का, और ऐसे के अंदर दौसा कस्बे के अंदर दोनों तरफ तो बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं, साथ ही देखा जाए कि जो सक्षम है सबसे बड़े तादाद के अंदर महिला और बच्चे जवान हैं, हर तबके के लोग इस यात्रा के अंदर यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही मतलब का एक ही मकसद है किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी को देख सके, इंतजार कर सके। बड़ी तादाद के अंदर लोग जमा है तो राहुल गांधी को देखा जाते हैं, ऐसे के अंदर उसकी रफ्तार रखी गई है। जियाउद्दीन, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, संभवतः आप अभी यात्रा में साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ चल रहे हैं, एक बार फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश आपके साथ करेंगे, लेकिन जितनी आवाज आ पाई और समझ जो आ पाया उसके अनुसार 6 किलोमीटर का सफर अभी बच रहा है, तो 11 बजे का जो समय प्रस्तावित था उस समय में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन फिर वहां से राहुल गांधी निकलेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और जयपुर पहुंचेंगे। रूट रिहर्सल जयपुर में शुरू हो गया है, 125 दिन है आज
दौसा जिले में भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार क्रेज देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले हमने वो भी समय देखा जब गांव ढाणियों से होकर खेत के रास्तों के बीच से होकर यात्रा गुजर रही थी और आज एक पूरा कस्बा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद था, तैयार था। और दमदार दंगल हैला ख्याल जो कि खासियत कही जाती है दौसा की, वहां पर भी। और देखिए कई मीटर लंबा जो देश का ध्वज तिरंगा है उसकी भी एक प्रतिकृति यहां पर देखने को मिली। लोग अपने हाथों में सम्मान पूर्वक सम्मान वो तिरंगा उठाए हुए इस यात्रा के साथ चल रहे थे। प्रतीकात्मक तौर पर छोटे बच्चों के हाथ में छोटे छोटे तिरंगे थे, वो भी भारत जोड़ो के नारे लगा रहे थे। सुबह का सूर्य उगने के साथ में ही जो लोगों की चहलकदमी थी वो तेज तेज आगे अपने पड़ाव के ऊपर बढ़ने लगी, क्योंकि 6 बजे का जो समय यात्रा की शुरुआत का होता है तब दिन भी नहीं खुलता, अंधेरा होता है, लेकिन यात्रा शुरू हो जाती है। 150 दिनों का ये सफर जिसके 100 दिन पूरे सफलतापूर्वक कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और उनके साथ सभी भारत यात्रियों ने, राजस्थान यात्रियों ने और तमाम जो भी लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उन्होंने पूरे कर लिए हैं। यात्रा समाप्त होने के लिए 6 किलोमीटर का सफर जिस तरह से अभी सहयोग की जानकारी दे रहे थे और फिर यात्रा के प्रथम चरण यानी कि गिरिराज धारण मंदिर जो कि दौसा में स्थित है वहां पहुंचकर यात्रा का आज का समापन होगा। 6 बजे से अनवरत यात्रा चल रही है, 2 जगह टी ब्रेक के लिए रुकी और लोगों को आराम देने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लगातार 22 किलोमीटर तक आप चलते रहें और उसके बाद आप थके भी ना, ये कुछ आराम उन्हें देने के लिए कोशिश। और उसके बाद में यात्रा फिर से चलेगी 6 किलोमीटर का सफर और उसके बाद में राहुल गांधी फिर आज वहीं पर दोनों चरण एक साथ क्योंकि कर रहे हैं 22 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी, जयपुर उसके बाद पहुंचेंगे।